हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक कैसे खोला जाता है घर बैठे बिना सर्विस सेंटर गए बिना डाटा डिलीट किए। फ्रेंड अगर आप ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो या ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन न्यू मार्केट से परचेज करके लाए हो और किसी कारण बस आपका वो ओप्पो फोन इस प्रकार लॉक हो चुका है, पासवर्ड पैटर्न पिन आप अपने पासवर्ड पैटर्न पिन को भूल चुके हो, तो ऐसे प्रॉब्लम में फ्रेंड आप लोग बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हो। आप लोग अपने फ़ोन को लेकर डायरेक्ट सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो, दोनों जगह आपका फ़ोन अनलॉक कर दिया जाता है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का मदद लिया जाता है। आपके फ़ोन में जो भी वर्क होगा आपको दिखाया नहीं जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा, समय लिया जाएगा, फ़ोन के अंदर जो भी डाटा है फ़ोटो ऑडियो वीडियो सब डिलीट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए बिना सर्विस सेंटर गए बिना डाटा डिलीट किए बिना पैसा दिए अपने हाथों से आप चाहते हो आप अपना ओप्पो मोबाइल का लॉक तोड़ना फ्रेंड, तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले जब आप अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीपअप करोगे आपको अपने फ़ोन में पैटर्न पिन पासवर्ड दिखेगा फ्रेंड, जैसा कि इस ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको पासवर्ड लॉक दिख रहा है। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डायल करने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पासवर्ड को ट्राई करोगे सेकेंड मिनट शो करेगा, आपका फ़ोन कब डेथ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको इतना कोशिश नहीं करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे पासवर्ड पैटर्न पिन के नीचे एक सिंगल ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, इमरजेंसी कॉल का या इमरजेंसी SOS का। आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन है तो आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लीजिए, और जिसके फ़ोन में इमरजेंसी SOS का ऑप्शन है वो इमरजेंसी SOS पर क्लिक कर लीजिए, दोनों एक ही होता है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लिए इमरजेंसी SOS पर ताकि हमको वर्क करने का ऑप्शन मिले। ये ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा राउंड राउंड, यहाँ पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में डायलेट ओपन होगा, और ये जो डायलेट ओपन हुआ है इस डायलेट में आपको सबसे पहले फ्रेंड एक FRP कोड का यूज करना होगा आप लोग को, और ये FRP कोड के मदद से आप ओप्पो मोबाइल का FRP लॉक रिमूव कर सकते हो। किसी भी फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए उस फ़ोन का FRP लॉक रिमूव किया जाता है सबसे पहले सर्विस सेंटर वाले या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले सॉफ्टवेयर की मदद से आपका FRP लॉक रिमूव करेंगे, जिसमें आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। इसमें हम आपका डाटा भी रिकवर करेंगे फ्रेंड। ये सबसे पहला कोड FRP कोड, इसको डायल कीजिए, ओनली 2 टाइम कॉल कीजिए, सिर्फ 2 बार, ताकि ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए। डायलेट पे डायल करने से ये कोड एक्टिव नहीं होता है। कॉल पे क्लिक कीजिए, 2 बार कॉल करना है, कॉल फील्ड का मैसेज आए, ओके कीजिए 1 एंड देन 2। इस कोड को एक एक करके इरेज कर दीजिए। अब ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव होगा, वर्किंग करेगा और आपका FRP लॉक रिमूव होगा। *#899 और # वर्किंग कोड है फ्रेंड, वर्किंग कोड है। आफ्टर सेल पेज या इंजीनियर मोड नाम का पेज ओपन होगा आपके ओप्पो फ़ोन में, 4 नंबर ऑप्शन ऊपर से आएगा मैनुअल टेस्ट का, आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर लेना। फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकेंड पेज पे आना, डिवाइस डबिंग पे, और जायरोस्कोप का ऑप्शन दिखेगा क्लिक कर लेना, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट दिखेगा सेकेंड नंबर ऑप्शन पे फ्रेंड, आप यहाँ पे क्लिक करना और ये टेस्ट को स्टार्ट कर लेना, और यहाँ पे फेल आएगा फिर से ट्राई करना, पास आएगा आप बैक कर लेना, पास आएगा अगर नहीं आएगा फिर से ट्राई करना, पास आया बैक कर लीजिएगा, आपका वर्क यहाँ सक्सेसफुल हुआ। 3 नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले, लेकिन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट में जब तक पास नहीं आएगा तब तक बैक नहीं करना है। 3 नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। डाटा डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा, XYZ 3 एंगल आपके फ़ोन में वर्किंग कर रहे हैं, यह आपका टोटल डाटा रिकवरिंग का काम चल रहा है फ्रेंड। इसको 30 तक वर्क करने दीजिए ऑटोमेटिकली, और 30+ आके रुक जाइए, या 30 पर आके रुक जाए आप समझ जाना आपका डाटा रिकवर हो चुका है। वीडियो फिंड में दिखेगा भी 30+ हो चुका है। बैक करेंगे, चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे, अदर्स पे, की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना होगा पास है या फेल, यहाँ पे पास होना चाहिए की स्टेटस पे। अपडेट हुआ, अब भी आप लोग देखे अपने सामने आंखों के सामने अपडेट हुआ, नेम में की बोले तो लॉक, स्टेटस में पास पास पास, इसका मतलब आपका फ़ोन में जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड था फ्रेंड वो अब रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से फ्रेंड आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, जब सबका पास आ जाए, सबका पास आ जाए, यहाँ पे दिख रहा है नेम में पास पास पास, फेल कहीं नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोन में लॉक बटन है राइट साइड या लेफ्ट साइड देख लेना, यहाँ पे राइट साइड है,
हम इसको प्रेस करके रखेंगे, लॉक बटन को प्रेस करके रखें, रीस्टार्ट का ऑप्शन आया, पावर ऑफ का ऑप्शन आया, हम इस ओप्पो फोन को रीस्टार्ट पे लगाएंगे, रीस्टार्ट पे। और आप लोग को भी अपने फ़ोन को रीस्टार्ट पे इसी तरह से लगाना है और वीडियो में बने रहना है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 30-40 सेकेंड, जिसके अंदर ये फ़ोन रीस्टार्ट होके ओपन होगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब वीडियो में बने रहना, अब थोड़ा ही समय बचा है, ये फ़ोन रीस्टार्ट होने वाला है और आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी वर्क आपको अपने फ़ोन में बताया है वो आपके ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अप्लाई हुआ है सही से या नहीं हुआ है, और अगर अप्लाई हुआ है तो वर्किंग किया है या नहीं किया है। तो फ्रेंड बस आप लोग वीडियो में बने रहना ताकि आपको पता चले आपका ओप्पो फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ। देख सकते हो फ्रेंड अपनी आँखों से कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अब फुल्ली तरीके से अनलॉक हो चुका है। इस फोन का डाटा देख लो फ्रेंड, आप लोग सबसे पहले इस फोन का डाटा देख लो, इस फोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा, जो भी वर्क आप लोग के सामने हुआ। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका है, लॉक नहीं हो रहा है, मेरे YouTube चैनल पर मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।